हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आई नो आप लोग काफी टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे, बट वेल यू डोंट हैव टू वेट एनी मोर बिकॉज आई एम फाइनली गोना गिव यू माय बेसमेंट टूर एंड इट्स अ सरप्राइज। आई मीन इट्स बीन 4 months हियर ऑलरेडी एंड टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला, बट एनीवे फाइनली आफ्टर 4 months आई एम गोना गिव यू माय बेसमेंट टूर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। अच्छा है, आई रियली लाइक द बेसमेंट वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। So, अभी ज्यादा नहीं बोलते, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई फील द वे बिहाइंड माय आईज, लीन टुवर्ड्स द कलर दैट लाइज विदिन। फॉलो मी यू गाइस। अर्थ एंड बिटवीन यू एंड आई। सो दिस इज द एंट्रेंस। Do you ride there under my skin? Now this is the separate side entrance for the basement. So this is the entrance for the apartment, and obviously I'm not guys, so that's different. हमारे यहाँ से है। सो ये है लॉन्ड्री सेक्शन। सो नाउ हमारा जो लॉन्ड्री है वो शेयरिंग बेसिस पे है हमारे लैंडलॉर्ड के साथ, एंड यहाँ पे बेसमेंट में एक और बेसमेंट है, मतलब बगल में, और वो 2-bedroom बेसमेंट है, वहाँ पे बाकी लोग रहते हैं, हम उनके साथ भी लॉन्ड्री शेयर करते हैं। सो ये रूम 3 घरों में शेयर होता है, हमारा बेसमेंट, हमारे बगल में जो 2-bedroom बेसमेंट है वहाँ पे, एंड लैंडलॉर्ड। दैट्स लॉन्ड्री सेक्शन। देन ये है दूसरा वाला बेसमेंट और ये है हमारा वाला। थैंक यू। सो दिस इज आवर बेसमेंट यू गाइस, 1-bedroom बेसमेंट। एंटर होते ही पहले यहाँ पे फ्रिज है। हमारा फ्रिज अभी मेसी है, मैं एक वीडियो अटैच करूंगी, उसमें हमने बहुत अच्छे से पूरा फ्रिज सेट करा था, बट अभी के लिए प्लीज बेयर विद मी। सो दिस इज द फ्रीजर एंड दिस इज अ फ्रिज। मोस्टली ये भरा रहता है, अभी भी भरा है बट इतना भरा नहीं है, बट एनीवे फॉर नाउ दिस इज व्हाट यू कैन सी हियर। जो भी एक्स्ट्रा है, फिर यहाँ पे है हमारे कैबिनेट। सो 2 कैबिनेट है यहाँ पे हम दोनों के लिए, गुंजन और मेरे लिए इनफ नहीं है, बट हम काम चला रहे हैं अपना। सो यहाँ पे हमारे सारे स्नैक्स हैं, काफी सारे। देन यहाँ पे हमारा सारा मसाला एंड दाल, वो सारी चीजें हैं, बट आई नो मेसी है, हमने अभी वो भी नहीं लिए, क्या बोलते हो उन्हें, कंटेनर्स भी नहीं लिए सारे मसाले वगैरह रखने के लिए, अभी ऐसे काम चला रहे हैं। देन दैट्स सिंक देयर, ये हमारी स्लैब है, एंड हमने कटलरी के लिए ये यूटेंसिल्स का ये लिया था, कितना क्यूट है ये, मुझे इसमें यूटेंसिल्स का वह बहुत प्यार लगता है, और ये हमने डॉलरामा से लिया था। सो आई गेस $4 ही आता है सब डॉलरामा में, तो $4 ही था ये। देन ये स्लैब बहुत छोटा है हमारे लिए, बट कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। देन ये है हमारा स्टोव एंड देन माय फेवरेट एंड कंजन्स फेवरेट अवन। सो यहाँ पे हमने इतने पिज्जा बनाए हैं, इतने केक बनाए हैं, इतने मफिन्स बनाए हैं, मतलब क्या कुछ नहीं बनाया हमने यहाँ पे। सो दिस इज आवर फेवरेट पार्ट एंड देन हियर इज चिमनी। और यही है, मतलब इतना सही है हमारा ये फर्स्ट रूम, किचन कम हॉल बोलो, इतना पार्ट किचन का है एंड देन ये थोड़ा बहुत हॉल है। इट्स एन अनफर्निश्ड बेसमेंट, सो क्लियरली वी डोंट हैव सोफा एनीथिंग हियर, और हमने भी खुद से नहीं लिया है। देन यहाँ पे है हमारी क्लॉसेट, गुंजन और मेरी एक ही क्लॉसेट है, तो गुंजन और मैं शेयर करते हैं इस क्लॉसेट को, एंड आई रियली लाइक द डोर, राइट गुंजन, डोर काफी अच्छा है। देन अंदर लाइट नहीं है, सो दिस इज अ क्लॉसेट, हमने ऊपर सारे क्लोज फोल्ड करके रखे हैं, देन हैंगर में सारे ऑलमोस्ट लगा दिए, एंड हम दोनों के चारों स्टॉलर यहीं पे पड़े हैं, एंड शूज ऑल्सो।
हमने शू रैप भी नहीं लिया अभी, ऐसे ही बस सारे शूज यहीं पे रख रखे हैं, सारे फुटवेयर यहीं पे रखे हैं, और ये जो बैग है ना, ये जो स्टोरेज है ना, ये भी पूरा भरा पड़ा है. सो ये है हमारा क्लोज़ेट. देन ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट रूम. देन आता है हमारा बेडरूम. सो प्लीज कम. एंड दिस इज अ बेडरूम यू गाइस. सो ये है हमारा मैट्रेस जो हमें हमारे लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड किया था. अगेन अनफर्निश्ड बेसमेंट है, बट मैट्रेस हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें प्रोवाइड कर दिया था. सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट. एंड देन वहाँ पे गुंजन और मैं भगवान जी की मूर्ति लाए थे, तो वो हमने वहाँ पे रखी है. देन ये वाला सेक्शन गुंजन का अभी बहुत क्लीन लग रहा है फॉर अ चेंज, बिकॉज उसने मतलब सामान अभी थोड़ा अच्छे से सेट कर दिया है. एंड यहाँ पे इसका भी एक बास्केट बकेट टाइप कुछ होता है, बट अभी वो धोने रखा है, सो इसलिए क्लीन लग रहा है. एंड देन ये मेरा पोर्शन है. सो यहाँ पे आई हैव दिस हीटर हेयर, जिसके बिना गुंजन और मेरा बिल्कुल नहीं चलता है, बिकॉज ये बेसमेंट बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है एंड ये हीटर ही काम आता है. सो सारा टाइम ये हीटर चलता है हमारे साथ. देन दैट्स वी हैव चॉकलेट देयर. देन वहाँ पे एक्सप्लोजन बॉक्स है. एंड देन लाइक आई सेड, एक बकेट टाइप बास्केट टाइप कुछ रखा होता है. गुंजन का अभी यहाँ पे नहीं है, मेरा यहाँ पे है. तो वहाँ पे जितनी भी हमारी एसेंशियल्स है, बिकॉज साइड टेबल नहीं है, सो हमने ये ले लिया था. तो जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है जरूरी साइड में रखने के लिए, वो सारा वहीं पे है. देन लेट्स चेक आउट आवर वॉशरूम नाउ. सो ऑब्वियसली वी हैव दिस अटैच वॉशरूम हियर एंड देयर यू आर. यहाँ पे काफी लाइट है. सो अगेन काफी स्पेशियस वॉशरूम है एंड काफी क्लीन भी है. सो लेट्स गो नाउ. Going in details, so हमारा जो रेंट है 1,100 है. इसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड है, बट वाई फाई नहीं इंक्लूड है. सो वाई फाई हमने अलग से लगवा रखा है, एंड वाई फाई हम दूसरे वाले बेसमेंट के लोगों के साथ शेयर करते हैं. सो वाई फाई अराउंड $41 या $46 का बिल आता है पर मंथ, एंड हम 6 लोगों में डिवाइड हो जाता है. तो गुंजन में वाला बेसमेंट शेयर कर रहे हैं, दूसरा 2 बेडरूम बेसमेंट है, तो वहाँ पे 4 लोग रहते हैं, तो हम सब वाई फाई का बिल पे करते हैं. तो पर पर्सन अराउंड $7 एंड फ्यू सेंट्स आ जाता है. एंड लाइक आई सेड, गुंजन और मेरा इस बेसमेंट का जो रेंट है वो 1,100 है. सो पर पर्सन हमें 550 पर जाता है. तो 560 के अंडर वाई फाई एंड रेंट सब इंक्लूड हो जाता है हमारा. एंड बाकी अगेन अनफर्निश्ड बेसमेंट है, बट मैटर्स हमारे लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड कर दिया था. और कॉलेज हाँ से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, सो दैट्स अमेजिंग. आई नो हम इस चीज़ में काफ़ी लकी हैं, बिकॉज काफ़ी दूर दूर घरों जाते हैं, बट हमारा काफ़ी पास में है. नाउ गुंजन कम हियर एंड टेल मी समथिंग. सो इट्स बीन 3 मंथ्स हियर, आर यू लाइकिंग दिस बेसमेंट? या बहुत ही अच्छा स्पेस है पूरा हमारा बेसमेंट का, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है. जैसे एज यू सेड की कॉलेज से बहुत पास, मतलब हमको भी लेट भी हो रहे होते हैं, आराम से जाते हैं एकदम कॉलेज. सही है, जल्दी भी 10 मिनट्स लगते हैं बस से. बस भी पास में है, तो ना बेसमेंट भी बहुत अच्छा है. मतलब बहुत ही कंफर्टेबल, छोटू सा है, कोजी सा. और हाँ अभी 3 महीने पे अच्छे ही गए हैं मेरे 3 आपके 4 मंथ. सो हाँ अच्छा था सारे. यस. And with this being said, I'm just gonna end this video here. Thank you so much for watching this video, guys. I hope finally आपको एक idea मिल गया होगा कि कैसे basement होते हैं Canada में. सबके अलग अलग होते हैं. मैंने भी काफ़ी videos देखी थी और सारे अलग अलग ही basement थे. Similarly हमारा भी काफ़ी different है. Side entrance है and one bedroom basement है. छोटा kitchen है but अच्छा है, cozy है, comfortable है, अच्छा है. So yeah. Thank you so much for watching this video. I'm gonna see you super soon in the next one. Till then, bye-bye. Take care.